अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हम अपने किचन में बनाने जा रहे हैं बहुत ही मज़ेदार सिंगापुरियन राइस। तो चलिए चलते हैं हम अपनी वीडियो की तरफ। तो सिंगापुरियन राइस के लिए हमने सबसे पहले यहाँ कढ़ाई ली है और कढ़ाई में हम डालेंगे 2 टेबल स्पून के करीब ऑयल। और अब मैं इसमें डालूंगी 1/2 किलो, मेरे पास यहाँ चिकन है जिसको मैंने लंबी लंबी स्ट्रिप्स में काट लिया। आप जिस हिसाब से आपको पसंद आया उस हिसाब से काट लीजिएगा चिकन को। तो यहाँ मैंने लिए 1/2 किलो चिकन और साथ ही मैं इसमें डालूंगी 1 टीस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट और इसे अच्छे से फ्राई कर लेंगे। तो जैसे ही चिकन का कलर देखें आप, चेंज हो गया, अच्छा सा पिंक पिंक कलर आ गया है। हम इसे 1 से 2 मिनट और फ्राई करेंगे और अब मैं इसमें डालूंगी 1 टेबल स्पून भर के काली मिर्च पाउडर और 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर। आप अपने टेस्ट के हिसाब से ज़्यादा और कम कर सकते हैं। 1 टेबल स्पून सिरका और 1 टेबल स्पून सोया सॉस। और अब हम इसमें डालेंगे 1/2 टीस्पून नमक। आप अपने टेस्ट के हिसाब से ज़्यादा और कम कर सकते हैं। और अब इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और अब इसे 1 से 2 मिनट पकाएंगे हम अच्छे से, ताकि अच्छे से भुन जाए। तो ये देखें, ये अच्छे से भुन रहा है। अब हम इसमें डालेंगे 3 टेबल स्पून भर के केचप टोमेटो और इसकी अच्छे से भुनाई करेंगे। तो ये देखें, इसकी अच्छे से हम भुनाई कर रहे हैं। 1 से 2 मिनट लगेंगे आप लोगों को, मीडियम आंच पे आपने इसकी अच्छे से भुनाई करनी है, ठीक है, ताकि चिकन भी हमारा अच्छे से गल जाए इसी दौरान। तो ये देखिए, काफ़ी अच्छे से ये हमारी भुनाई हो गई है। तो अब हम इसे अपनी प्लेट में सर्व करते हैं और इसे अब हम साइड पे रखते हैं। तो ये देखें, सर्व करके अब हम इसे साइड पे निकाल के एक जगह रखेंगे और इसी कढ़ाई में अब हम डालेंगे 2 टेबल स्पून भर के ऑयल। इसे हम थोड़ा गर्म होने देंगे और अब हम इसमें डालेंगे 1/2 छोटी यानी प्याज लिए मैंने वो ऑमलेट कट, ठीक है। और अब मैं इसमें सब्जियां ऐड करूंगी। तो सब्जियों में मैंने यहाँ लिए बंद गोभी, आप अपने हिसाब से जो भी आप लोगों को पसंद हो सब्जी आप ले सकते हैं। तो मैंने यहाँ बंद गोभी लिए और शिमला मिर्च लिए 1-1 मीडियम साइज़ की, लंबी लंबी साइज़ में कटी हुई। तो ये देखें, इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। तो ये देखें, ये अच्छे से मिक्स हो गया है, ताकि हमारी जो सब्जियां ना खड़ी खड़ी रहें, क्योंकि उसका टेस्ट बहुत ही मज़ेदार आता है। तो अब हम इसमें डालेंगे बॉयल नूडल, मैंने पहले से बॉयल करके रखे थे, ठीक है, स्पैगेटी का पैकेट जो है हाफ। तो इसे अब हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो आपने ध्यान से मिक्स करना है अच्छे से, ठीक है। तो ये देखिए, ये अच्छे से मिक्स हो गया है। अब हम इसमें कुछ मसाले डालते हैं। तो 1 चम्मच भर के मैंने यहाँ सिरका लिया है और 1 चम्मच भर के ही सोया सॉस और 1 चम्मच इसमें हम डालेंगे काली मिर्च पाउडर और इन्हें अच्छे से मिक्स कर लेंगे फिर से। तो देखें, ये अच्छे से मिक्स हो गया है। तो देखिए, 1 से 2 मिनट कम से कम आपने इसको अच्छे से मिक्स करना है। उसके बाद मैंने हरी प्याज जो पहले शामिल करी थी, अब हरी प्याज के जो पीछे के पत्ते हैं हरे हैं, अब हम वो इसमें डालेंगे और फिर से इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो देखिए, आपने बहुत अच्छे से इसको मिक्स करना है, ठीक है ना, ताकि सारी चीज़ें जो है अच्छे से मिक्स हो जाएँ, मसाले सारे एक जैसे हो जाएँ, ठीक है। तो अब नमक रह गया था, अब हम इसमें डालेंगे 1/2 टीस्पून नमक, क्योंकि नमक जो है हमने चिकन में भी शामिल किया और सिरके का भी इस्तेमाल किया, तो आपने नमक थोड़ा हल्का ही रखना है इसमें, ठीक है ना। तो अब इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे
और अपनी प्लेट में अब हम इसे सर्व करेंगे, क्योंकि हमारी जो स्पेगेटी है वो तैयार हो गई है सब्ज़ी वाली। ठीक है, तो एक दो मिनट मिक्स करके इसे अब हम अपनी प्लेट में निकाल लेंगे। तो देखिए अच्छे से ये खुश्क हो गया है, इसका जो पानी था ना थोड़ा अभी वो सब देखें अच्छे से। अब हम इसे अपनी प्लेट में निकालते हैं, ठीक है ना। तो चलिए अब मैक्रोनी निकालते हैं, उसी के साथ हम अपनी सिंगापुरियन सॉस तैयार करते हैं। तो इसके लिए मैंने यहाँ लिए है 3 टेबलस्पून भर के मायोनीज, और 2 टेबलस्पून भर के मैं यहाँ डालूँगी टोमेटो केचप, और साथ में इसमें डालूँगी 1 टीस्पून सिरका, और 1 टेबलस्पून भर के चिली सॉस। ठीक है, इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो ये देखें हमारी सॉस भी तैयार हो गई है। तो चलिए अब हम अपनी प्लेट डेकोरेट करते हैं, क्योंकि सारी चीज़ें हमारी तैयार हैं। तो यहाँ देखें मैंने प्लेट ली है, और इस पर मैं अब रखूँगी वाइट बॉइल्ड राइस। तो इसकी रेसिपी मैं पहले आप लोगों को सिखा चुकी हूँ, अगर आप लोगों ने नहीं देखी तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। तो सबसे पहले मैं अपने चावल रखूँगी यहाँ पर प्लेट के अंदर अच्छे से। आपने चावलों को अच्छे से फैला लेना है प्लेट में। तो ये देखें चावल डाल लिए, और अब इसके ऊपर हम डालेंगे अपनी नूडल्स जो हमने अभी तैयार किए हैं आप लोगों के सामने। तो अपने हिसाब से ज़्यादा कम आप लोग ले लें, जितने आप लोग पसंद हैं। ठीक है, और यहाँ मैंने थोड़ी से फ्रेंच फ्राइज बनाए हुए थे, तो अगर आप लोग को पसंद है तो आप लोग डाल लें, बहुत अच्छा इसका टेस्ट आता है। तो देखें फ्राइज, और अब हम लगाएंगे इसके ऊपर चिकन जो अभी हमने तैयार की थी। तो देखें चिकन भी सेट हो गई, और अब हम इसके ऊपर डालेंगे अपनी मायोनीज जो अभी हमने तैयार की है। सॉस देखें अच्छी सी, ठीक है। और यहाँ मैंने जो है ना एक जगह हरी मिर्च और लहसुन का तड़का तैयार किया है, तो वो मैं यहाँ इसके ऊपर डालूँगी, उससे जो है बहुत ही मज़े का जायका आता है इसका। तो ये देखें मज़ेदार सिंगापुरियन राइस तैयार है। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।